लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। प्रोफेसर आ रहा है। बेचारा प्रोफेसर। हाय बेबी, क्या बात है। हाउ आर यू डार्लिंग। सब फिक्स कर दिया ना? हाँ यार, बस अब तू तमाशा देखना। इतना पक्का किया है कि कल प्रोफेसर कॉलेज नहीं आएगा। कई बड़े बेशरम भी होते हैं। यस, टुडे इज हिज फर्स्ट डे एंड लास्ट डे। लगी सौ सौ की? हाँ लगी। कानून पढ़ने और सीखने वालों के दिलों में अगर इस इंसाफ की मूर्ति के लिए इज्जत नहीं होगी तो इस क्लासरूम में आना आपके लिए बिन मंजिल का सफर होगा। लगता है कुछ लोग यहां सिर्फ सफर करने आए हैं। आई मीन SUFFER, सफर। और मैं आपको याद दिला दूं कि कॉलेज का भी एक कानून है और उस कानून के मुताबिक पढ़ाई के वक्त क्लासरूम में डिस्को कल्चर का प्रचार अपराध है, एक बहुत बड़ा जुर्म है। और इंसाफ, आप जानते हैं इंसाफ की आंखों पर पट्टी बंधी होती है, जानते हैं या नहीं? यस, जानता हूं। फिर भी इंसाफ के रास्ते में टांग अड़ाई, पहला दिन है इसलिए सजा नहीं देता हूं। गेट आउट। और हां, ये अपना डिस्को कल्चर साथ ले जाइए। तो बात इस मूर्ति की चल रही थी। ये मूर्ति उस मंदिर की है जहां कानून का हर पुजारी पूजा करने के लिए जाता है और इंसाफ की देवी से अपने हक में फैसला सुनने की उम्मीद रखता है। लेक्चरर का लेक्चर धुएं में उड़ाने के लिए नहीं होता। सिगरेट अगर लेक्चर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो जाइए बाहर जाकर अपना शौक पूरा कीजिए। तो पढ़ाई शुरू करें। माँ आ गया बेटे। हाँ माँ। गीता बेटी, अपने भैया के लिए एक ग्लास पानी लाना। कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन? नॉट बैड। मुझे मालूम है मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ। पर भैया, तुमने पहले दिन ही पढ़ाना शुरू कर दिया। तो तू क्या समझती है, मैं स्टूडेंट्स को लतीफे सुनाता? पहला दिन तो होता ही है जान पहचान के लिए, स्टूडेंट्स अक्सर नए टीचर की टांग खींचते हैं। मुझे तो डर था कि कहीं किसी बात पे तेरे दिमाग का पारा ना चढ़ जाए,
कॉलेज में दो ही तो काम थे तेरे, पढ़ाई और लड़ाई। स्टूडेंट और प्रोफेसर में बहुत फर्क होता है ना भैया। क्या किसी लड़के लड़की ने शरारत नहीं की? शरारत तो होती है। तब तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हुआ होगा और तुमने जरूर किसी को एकाध घूसा दे दिया होगा। बिल्कुल नहीं। डांटा भी नहीं? गुस्सा तो तुम्हें बहुत आया होगा। जी नहीं। फिर तो मैं जल्दी बाजार जाती हूँ मिठाई लाने। मिठाई किस लिए? मंदिर में भगवान को भोग लगाने के लिए। क्यों? सच बोलो भैया, मुझे नहीं लगता था तुम पढ़ा पाओगे। 2 साल ठहर, मैं तुझे कॉलेज का प्रिंसिपल बनकर दिखाऊंगा। तू बैठ, मिठाई मैं लेकर आता हूँ। नहीं भैया, मन्नत मैंने मांगी है, मंदिर भी मुझे ही जाना होगा। इस वक्त बाजार में बहुत भीड़ होती है गीता। तो क्या हुआ? मैं सुन सकती हूँ, चल सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ, क्या मैं अपना सारा काम खुद नहीं करती? फिर भी ये छड़ी आंखें नहीं बन सकती, और जब मैं हूँ तो। नहीं भैया, हमदर्दी तक तो ठीक है, लेकिन जब कोई हम पर तरस खाने लगता है ना, तो सचमुच बहुत बुरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे हम अपंग है, दूसरों पर बोझ है, जो हम नहीं बनना चाहते। जैसी भी है, हमें अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। ठीक है ठीक है, मेरी जगह लेक्चरर तो तुझे होना चाहिए था, दे दिया इतना लंबा भाषण, जल्दी आना। ये आंखों वाला अंधा कौन है? I'm sorry. थैंक यू। आपको सड़क के उस पार जाना है ना? जी हाँ। ट्रैफिक बहुत है, चलिए मैं आपको छोड़ दूंगा। जी नहीं, मैं चली जाऊंगी, ट्रैफिक की आवाज भी इतनी नहीं है। संभल कर, ये गाड़ियां वाले भी 100 की स्पीड पर चलाते हैं। आइए। अरे अगर आपकी जगह मैं होता तो क्या आप मेरी मदद नहीं करती? आइए। हेलो। गुड इवनिंग प्रोफेसर साहब, मैं महेश शुक्ला बोल रहा हूँ। महेश, हमारी शर्त लगी है प्रोफेसर साहब कि आज आप प्रिंस होटल के डिस्को में जरूर आएंगे। क्यों? हम आपको डिस्को कल्चर दिखाएंगे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन दिलचस्पी है प्रोफेसर साहब, और आपको भी होगी जब आप अपनी बैंड को डांस करते हुए देखेंगे। बोल। ये भी तो हो सकता है लड़की अपनी मर्जी से उन लड़कों के साथ चली गई हो। मैं पहले भी आपसे कह चुका हूँ कि उन लड़कों ने मुझे फोन पर कहा है कि वो जबरदस्ती मेरी बहन को डिस्को ले गए हैं। आप प्लीज मेरे साथ जल्दी चलिए। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। देखिए, मेरी बहन की इज्जत का सवाल है, आप मेरे साथ जल्दी। बोला ना, जल्दी नहीं, जल्दी नहीं। हम पुलिस वाले क्या फालतू बैठे ले? अभी रेस कोर्स में पब्लिक मीटिंग है, वहाँ के लिए पुलिस चाहिए। उधर फैक्ट्री में स्ट्राइक चल रही है, वहाँ पुलिस चाहिए। कल जुलूस निकल रहा है, वहाँ के लिए बंदोबस्त करना है। पुलिस कहाँ कहाँ भागेगी? तुम लोग अपना रोना लेकर आते हो, पुलिस वाले पर जो पूरा देश का रोना सुनना पड़ता है वो। हाँ, गीता भैया, तुम्हारे साथ कोई बुरा सलूक तो नहीं किया इन्होंने? भैया, मुझे यहां से ले चलो। आओ चलो। मैं अभी आया। सारा डरपोक निकला, मुझे तो लगता है शायद छोड़कर भाग जाएगा। जल्दी नहीं, जल्दी नहीं का असूल कोर्ट में लागू नहीं होता। जज साहब ने जैसे ही पूछे तुमने मारामारी की, जल्दी से बोल देना हाँ साहब मेरा गुनाह कबूल है। क्या योर ऑनर, 6 जून के शाम के 7 बजे प्रिंस होटल के मैनेजर के टेलीफोन पर जब पुलिस होटल में दाखिल हुई, स्टाफ गवाह है कि इस आदमी ने शराबत की हदें तोड़कर और कानून को नजरअंदाज करते हुए कम टू द पॉइंट। The man is guilty
₹500 फाइन। सर ये सरासर बेइंसाफी है। 700 रुपीज। मगर आप मुझे सुने बगैर सजा कैसे दे सकते हैं? 1000 रुपीज आई से, आई ऑब्जेक्ट। यस, ऑन द बेसिस ऑफ द लॉ डिग्री आई होल्ड एंड ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आई कैन डिफेंड माई सेल्फ, आई हियरबाय प्लीड नॉट गिल्टी। And you as the judge in chair have to listen to my arguments framed against me by the public prosecutor before you pronounce any sentence. And if I come to the point, mujhe lagta hai aap is kursi par insaaf karne nahi, janta par ehsaan karne ke liye baithe hain. Order, order! This is straightway contempt of court. Ye adalat ki tohin hai. Agar adalat chahe, to tumhe iske liye 6 mahine tak ki saza de sakti hai. Magar main tumhe 6 din ki qaid ki saza ka hukum deta hoon. 6 days simple imprisonment, I say. माँ कैसी है तू? ये सब मेरे कारण हुआ। नहीं पगली, जिस दिन अपनी बहन की लाज बचाने के जुर्म में कभी किसी भाई को सजा हुई, उस दिन इस देश में कानून खत्म हो जाएगा, अदालतें टूट जाएंगी, इंसाफ मर जाएगा। मुझे तो इसलिए सजा हुई कि कोर्ट में मैंने जो मैजिस्ट्रेट को कहा उसे अदालत की तौहीन समझा गया। यही मेरा अपराध था। नहीं बेटे, तूने कोई अपराध नहीं किया। दुनिया चाहे जो कहे, मुझे अपने बेटे के लिए शर्म नहीं, गर्व है। चलो घर चलो। घर के लिए भी कॉलेज वालों ने तुझे नोटिस भेजा है। ये पर देख क्या क्या इल्जाम लगाए हैं तुझ पे। ये सब इल्जाम जो आप मुझ पर लगा रहे हैं झूठ हैं, गलत हैं, बेबुनियाद हैं। मेरी वजह से कॉलेज की कोई बदनामी नहीं हुई। मैंने कॉलेज का कोई असूल नहीं तोड़ा। कसूर उन लड़कों का है और उन्हें कॉलेज से रेस्ट्रिकेट करने के बजाय आप मुझे नोटिस दे रहे हैं। जानते हैं आप, वो तीनों मेरी अंधी बहन को जबरदस्ती डिस्को ले गए थे। मगर आप तो प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट से मारपीट करना क्या कॉलेज के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ नहीं? वो स्टूडेंट्स कॉलेज कंपाउंड के अंदर हैं, कॉलेज के बाहर वो गुंडे हैं, और गुंडों को सजा देकर मैंने कोई जुर्म नहीं, सोसाइटी की नजर में इंसाफ किया है। और उसके लिए आपको 6 दिन की जेल हो गई। हम ऐसे आदमी को कॉलेज के स्टाफ में नहीं रख सकते जिसका क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और ऐसे स्टूडेंट्स रख सकते हैं जो क्रिमिनल हैं? मैं सब समझता हूं, आप उन तीनों को सजा दे नहीं सकते क्योंकि उनमें से एक उस एमएलए साहब का बेटा है जिनकी मदद से इस कॉलेज को ग्रांट मिलती है, दूसरा शहर के उस अमीर आदमी का बेटा है जिसने इस कॉलेज की बुनियाद रखी थी और लाखों रुपए डोनेशन में दिए थे, और तीसरा हमारा बेटा है सर के शुक्ला का, जिसने इस कॉलेज की बुनियाद रखी और जिसके नाम से यह कॉलेज चलता। तुमने हमारे बेटे पे हाथ उठाकर अपनी जिंदगी पर बदनसीबी का पर्दा गिरा लिया। ना सिर्फ हम तुम्हें इसी वक्त नौकरी से निकालते हैं और यकीन दिलाते हैं कि इस शहर में तुम्हें कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। इस गलत फहमी में मत रहिएगा, नौकरी मेरी जेब में है, यकीन आए तो पढ़ लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर माय अपॉइंटमेंट सर। ऑन द कॉन्ट्ररी, शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए। आप जैसा ब्रिलियंट आदमी हमारे साथ काम करेगा यह हमारी खुशकिस्मती है। देखिए, आपके लिए कार का इंतजाम 1-2 दिन में हो जाएगा। फिलहाल यह रही आपके फ्लैट की चाबी। थैंक यू वेरी मच सर। यू आर वेलकम। यह है हमारा नया घर। गीता, क्या तू बता सकती है सामने खिड़की से क्या नजर आ रहा है? Very simple, समुंदर। और बस यही नहीं, समुंदर में एक नाव भी है, right? Right. लेकिन ये बता, तुझे कैसे पता चला? जहां तक समुंदर का सवाल है, उसके लिए मेरे कान काफी है, और जहां नाव का सवाल है, उसके लिए अकलमंद होना जरूरी है। यो माँ, घर पसंद आया? बहुत। जिन अच्छे दिनों का इंतजार था वो दिन आ गए बेटा। I'm sorry, Mr. Avinash. आपको ये फ्लैट खाली करना पड़ेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आपकी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी है। क्यों? आपने पहले क्यों नहीं बताया कि आप जेल जा चुके हैं? आपके खिलाफ एक साथ 3-3 शिकायतें आई हैं।
आपको मुझे बोलना तो चाहिए था। बोलता तो क्या करते आप, मुझे ये नौकरी दे देते। मिस्टर गोरपोड़े, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई बैंक नहीं लूटा, किसी का खून नहीं किया। मैंने अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए मैंने जज साहब से इजाजत मांगी थी, जिसके लिए उन्होंने मुझे सजा दी। वहां भी मुझे इंसाफ नहीं मिला और आप भी। कोई बात नहीं बेटा, दुनिया हमें इंसाफ दे ना दे, भगवान हमें इंसाफ जरूर देगा। ये रही आपकी चाबियां। ओहो, न दिन को सोने मिलता है यहाँ न रात को, इतने शोर में कैसे रहते हैं बम्बई वाले? मैं तो खुद हैरान हूँ, बाहर निकलो तो लगता है जैसे कोई बम फटा हो। ऐसी भीड़ है यहाँ जैसे लगता है सारी दुनिया सिमटकर बम्बई बन गई हो। इससे तो छोटा शहर ही अच्छा है, आदमी सांस तो ले सकता है, यहाँ तो सांस लेना भी मुश्किल है। भैया को यहाँ नौकरी मिल गई तो? आज 3 महीने हो गए मिस्टर लुजादो, कहीं नौकरी नहीं मिली। मेरी लॉ डिग्री जैसे लोगों के लिए एड्स की बीमारी बन गई है। देखना तो एक तरफ, कोई उसे छूने को तैयार नहीं। मैं ये शहर छोड़कर जा रहा हूँ। कितना बिल हुआ आपका? बिल क्या बोलना साहब, आजकल पढ़ना लिखना एकदम बेकार है। आपका बिल 1113 रुपये। मेरे पास तो सिर्फ 600 रुपये हैं। सॉरी सर, अपने को भी मालिक को हिसाब देना है। ऐसा करो, आप अपना सामान इधर छोड़कर जाओ, पैसा देकर सामान लेकर जाना। मगर एक्सक्यूज मी, मे बी आई कैन हेल्प यू। जी, आई कैन गिव यू 600 रुपीज। नो थैंक्स, मैं चैरिटी में नहीं मेहनत की कमाई में बिलीव करता हूँ। लुजादो, मैं आई हैव टू कैच एन इंटरनेशनल फ्लाइट। डू यू डू मी अ फेवर बाय गिविंग दिस टू मिस्टर अग्निहोत्री ऑफ किंग्स होटल? यू कैन रीच दिस बैक टू हिम एंड कैन अर्न योरसेल्फ सम मनी। ये साहब ठीक बोलता है, ये बैग पहुंचाना भी तो काम ही है ना। ठीक है, आई डोंट माइंड। थैंक यू। ओह थैंक यू। थैंक्स। चौबीस टन मौला के नाम पे दे दे, ये फकीर तुझको दुआ देगा बेटे। माफ करो। माफ कैसे करूं योगराज? कौन योगराज? मी योगराज नहीं, हट जाओ। मी तुम चा बाप इंस्पेक्टर भिंडे, पहचाना? भिंडे कौन? कौन भिंडे, याद है? आज से 5 साल पहले मी तुला ओबेरॉय शेरिटन के पास पकड़ा, लेकिन तुम बाद में अदालत से भाग गया, कोर्ट से भाग गया। अगर मी दे दास तो मी तुझी टंगड़ी तोड़ के तुम्हारे हाथ में देता साला। उई, जय भवानी माता। ए आ, पकड़ा साला कुत्ता। ज्यादा होशियारी नक्को टकलू, योगराज का चमचा टकलू। लोजारो आया सर, पकड़ लिया फोटोग्राफर। आया सर, टकलू। मैं भिंडे, तू चल पुलिस स्टेशन चल, बहुत मोटे मोटे डंडे मारूंगा फोटो। ओके, तेरी जात का बैदा मारू, शक्ल से चोर लगता साला, देख क्या मजा दिखाता हूँ तुझे। तुम मेरे को तो पकड़ लिया भेंडे, मगर बैग अब पीछे का पहुंच गया है। है? मुझे मंदिर के लिए पुजारन नहीं, अपने होटल के लिए कैबरी डांसर चाहिए। हमें वो धड़कती हुई जवानी चाहिए जो नंगी बिजली की तरह लोगों के दिलों पे टूट पड़े, जिसका जिस्म हर आंख को दावत दे और हर दावत दावत खास लगे। तुम में तो कुछ दिखाई नहीं देता। आहा, अभी तुमने देखा ही क्या है। चुटकी बजाने आती है? गुड। हमें तुम्हारी अदा पसंद आई। देखिए मिस्टर, मैं बहुत फ्रेंक लड़की हूं, अगर ना पसंद आए तो हाँ नहीं, और अगर पसंद आए
तो ना नहीं। अच्छा असूल है। थैंक्स। कौन हो तुम? हाँ हूं यू मैं जो हूं सो हूं। ये बैग किंग्स होटल के किसी मिस्टर अग्निहोत्री का है। हाँ लाओ। आप मिस्टर अग्निहोत्री हैं? मुझे ज्यादा सवाल जवाब करने वाला आदमी पसंद नहीं। तो बैग दे दो वरना तुम्हें शूट कर दूंगा। दिलीप। यस ब्रदर। उन्हें अंदर ले आओ। जी। बाय। मैं अग्निहोत्री हूं। ये बैग कहां से मिला आपको? जी लुजादो के बार से। तुमने इसे खोल के नहीं देखा? एक अच्छे शहरी के नाते मुझे ये बैग इसके मालिक को वापस करना था। इसे खोलकर देखना नहीं। ग्रेट ब्रदर। ऐसी ईमानदारी मैंने इस शहर में कभी नहीं देखी। मैं शहर का रहने वाला नहीं शायद इसलिए। तो तुम काम की तलाश में हो? जी हाँ। लेकिन लगता है मेरी और शहर की कुंडली मिलती नहीं। कुछ दिन पहले आया था, कुछ दिन बाद चला जाऊंगा। हमारे साथ काम करोगे? काम मेरे लायक हुआ तो जरूर करूंगा। होशियार आदमी काम को अपने लायक बना लेता है। क्या करना होगा मुझे? इधर का उधर, उधर का इधर। हाँ हम कोई सीधा काम नहीं करते। मेरा रास्ता अभी तक सीधा है और मैं उसी रास्ते पर चलूंगा, ना इधर ना उधर। थैंक यू। क्या अखड़ के बात करता है? जी चाहता है इसे शूट कर दूं। जब नौकरी नहीं तो फिर नौकरी के लिए ना क्यों कर दी? मैं अपनी मेहनत बेच सकता हूं, जमीर नहीं। वाह 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 क्या डायलॉग मारा है। आई लाइक इट। Light, please. I don't like it. क्या? ना सिगरेट पीने वाली लड़की। Oh. साहब, साहब तुम किधर था? तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदर को हार्ट अटैक आया था साहब। क्या? हाँ साहब। कहाँ है वो? नर्सिंग होम में, सात वाली गली के नर्सिंग होम में एडमिट करके आया था साहब। करो जल्दी जल्दी। डॉक्टर साहब मेरी माँ को कोई खतरा तो नहीं? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आप ऑफिस में जाके फॉर्म भर दीजिए और 10,000 रुपए जमा करा दीजिए। जल्दी कम ऑन जल्दी। डॉक्टर 10,000 रुपए? भैया भैया। गीता ये क्या हो गया? भैया 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 माँ को बचा लो भैया। गीता सब ठीक हो जाएगा, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। चल तो बैठ जा, मैं अभी आता हूँ। नहीं भैया, माँ को छोड़ के मत जाना, यहाँ तुम्हारी सख्त जरूरत है भैया। गीता मुझसे ज्यादा यहाँ 10,000 रुपए की जरूरत है। 10,000? उसकी तो फिक्र मत कर, मैं अभी पैसे लेके आता हूँ। चल तो बैठ जा, मैं अभी आया। हाँ आत्महत्या करना चाहते हो क्या? आओ बैठो। इससे मुझे 10,000 रुपए मिल सकते हैं। अग्निहोत्री साहब मुझे 10,000 रुपयों की जरूरत है। मैं जानता हूं मिस्टर अग्निहोत्री कि मैं ये पैसे वापस नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं। इधर का उधर का कोई भी। गुड। मैं कल सुबह 9 बजे ऑफिस पहुंच जाऊंगा। हमारा ऑफिस सुबह 9 बजे नहीं, रात 9 बजे शुरू होता है। अविनाश मैं दुआ करूंगा कि तुम्हारी माताजी की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। मैं
नौकरी मिल गई तुझे? जी मिल गई। तूने उन लोगों को अपने बारे में सब कुछ बता दिया ना? तू आराम कर माँ, डॉक्टर ने कहा है तुझे और 3 हफ्ते यहाँ रहना पड़ेगा। 3 हफ्ते? लेकिन इतने पैसे? तू चिंता मत कर माँ, हॉस्पिटल का सारा खर्च भैया की कंपनी के मालिक दे रहे हैं। इस दुनिया में अच्छे लोग भी हैं। बेटा तू बहुत मन लगा के काम करना, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि तुझे इस काम में खूब तरक्की दे, बहुत बड़ा आदमी बनाए तुझे। का शब्द उस दिन मर गया था जिस दिन इस दुनिया में इंस्पेक्टर भिंडे ने जन्म लिया था। प्रभा, अगर आप कहो तो उस भिंडे की फ्राइड भिंडी बना दूं। I'll shoot. Me promise. बॉम्बे और अहमदाबाद के बीच में जितनी भी स्मगलिंग हो रही है 24 घंटे के अंदर अंदर मैं स्मगलिंग को खत्म कर दूंगा।
जितने भी स्मगलर्स हैं उन सबको अंदर कर दूंगा, उनके टकले पे डंडा मारूंगा। आई शैल फिनिश देम ऑल, इंस्पेक्टर भिंडे। अब भी सोच लो ब्रदर, कहो तो इस साले को शूट कर दूं। तुम्हारे पास तो हर चीज का एक ही इलाज है। मेरे ख्याल से कल हमारा जो कंसाइनमेंट अहमदाबाद से आ रहा है उसे हम रोकते हैं। लेकिन उससे तो हमारी पेमेंट रुक जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अगर आप कहें तो अहमदाबाद से डिलीवरी मैं ले आऊं। कहने और करने में बहुत फर्क होता है ब्रदर। मैं करके दिखा सकता हूं। मिस्टर अग्निहोत्री, आप इसे मेरा इम्तिहान समझकर मुझे मौका दीजिए। ठीक है, तुम्हें वहां का पता और कोड नंबर दिया जाएगा, और किसी चीज की जरूरत हो तो। फिलहाल एक टेलीफोन कर लो। श्योर। ऑपरेटर, इंस्पेक्टर भेंडे को फोन पर बुलाइए, उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। क्या आप मौत से डरते हैं? मैं मौत से नहीं डरता, मौत मुझसे डरती है। अगर मैं मौत से डरता तो पुलिस में भर्ती क्यों होता? सर आपका टेलीफोन। मेरी फिर जरूरत आ पड़ी। कौन है? कहता आपकी जिंदगी और मौत का सवाल है। मेरी जिंदगी और उसकी मौत का सवाल है। हेलो इंस्पेक्टर भेंडे, आपने अभी अभी टीवी पर दावा किया है कि आप अहमदाबाद बॉम्बे स्मगलिंग लिंक को खत्म कर देंगे। बिल्कुल, आई शपथ। कसम मत खाइए, कल सुबह की फ्लाइट से 2 करोड़ का माल बंबई आ रहा है। हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाइए। चैलेंज? इंस्पेक्टर भिंडे को चैलेंज? जी हाँ, एक चवन्नी के इंस्पेक्टर की इतनी औकात कहाँ कि वो करोड़ों का माल पकड़ सके। मी पॉलीचा इंस्पेक्टर? बिल्कुल, कल माल पकड़ लोगे तो इंस्पेक्टर भिंडे, नहीं तो चवन्नी का इंस्पेक्टर। अरे अरे अरे, कहां जा रहे हैं हुजूर? अहमदाबाद। कोई आत्महत्या करने की सोच रहा है। ओ बाय बाय। ऐचा आयला काय गुजरात है अपनी मुंबई परी। भाई मोटरसाइकिल तेज चलाता है, तेरी जात का भेद घेरे अलग है। कुछ जाता मी भिंडे। अरे देवा काय झाला, आपको आपको चोट तो नहीं लगी? डोंट टच द बैग। सुना नहीं, लीव द बैग। सर मैं तो आपकी मदद करना चाहता हूं। कौन है आप? मी भिंडे, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे। आपने मेरा नाम तो सुना होगा। आपका आइडेंटिटी कार्ड। आइडेंटिटी कार्ड? आई एम कैप्टन चोपड़ा, मिलिट्री पुलिस। आप सरकारी आदमी हैं इसलिए बता रहा हूं, इस बैग में मिलिट्री सीक्रेट्स हैं जो किसी भी हालत में मॉर्निंग फ्लाइट से बंबई पहुंचनी चाहिए। मेरी मोटरसाइकिल तो। कोई बात नहीं, मेरी जीप है ना, वो भी सरकारी है। इस बैग को बॉम्बे पहुंचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। डोंट टच द बैग। ओके, नॉट टचिंग, यू ब्रिंगिंग, कमिंग, सीक्रेट्स। कम 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 कम। ओए काय झाला तुम्हारा? डोंट टच द बैग इडियट। ओके आइए आइए। काय मानुस है? डोंट टच द बैग, डोंट टच द बैग, डोंट टच द बैग। शट अप, सीक्रेट्स। डरिए आप, इस बैग में क्या है? काय झाला तुम्हाला? कुछ नहीं सर। सर मैं जानता हूं कि आपके हाथ में दर्द हो रहा है, ये बैग मुझे दे दो। सीक्रेट? मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन ये बैग किसी को छूने नहीं दूंगा। ओके आइए सर। अच्छे से चेक करो इसको, ये चेक करो। अच्छे से सर, आपने मेरी इंटरव्यू देखी टेलीविजन पर? नहीं सर, जब मैं ये इंटरव्यू दे रहा था एक गधे के बच्चे ने मुझे टेलीफोन किया कि वो 2 करोड़ के हीरे अहमदाबाद रोड से स्मगल करेगा। इंस्पेक्टर भिंडे को तो कोई स्मगल कर सकता है? मैं इंसान तो क्या, शैतान को भी माफ नहीं करता। सर हिंदुस्तान में मेरा बहुत नाम है। थैंक्स इंस्पेक्टर, हमारी मिलिट्री पुलिस ने यह देख लिया कि यह बैग आपके हाथ में था तो मेरा कोर्ट मार्शल हो जाएगा। संभाल के। बाय।
थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू। करोड़ रुपए के हीरे बंबई पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। कल आपसे फोन पर बात की थी ना स्मगलिंग के हीरों के बारे में, जो इस फ्लाइट से आने वाले थे। मैं वही हूँ। मिलिट्री पुलिस बनकर तुमने मुझे धोखा दिया है, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे को धोखा दिया है। मैं तुमको अरेस्ट करता हूँ। हाँ छोड़िए इंस्पेक्टर, आपके पास कोई प्रूफ नहीं कि ये हीरे मैं लेकर आया हूँ। फिर भी अगर आपने जबरदस्ती मुझे कोर्ट ले जाने की गलती की तो अंडर आईपीसी सेक्शन 116 फॉर अबेटिंग द क्राइम आपको भी मेरे साथ जेल जाना पड़ेगा। हीरो का बैग आप खुद अहमदाबाद से बंबई लेकर आए हैं। अल्लाह। ये लो पॉली। मैंने ये साबित कर दिया कि आप चवन्नी के इंस्पेक्टर हैं। बाय। मेरा नाम है इंस्पेक्टर भिंडे, हर रोज खाता हूँ 6-6 अंडे और तुम जैसे बदमाशों को मारता हूँ लंबे चौड़े डंडे। नहीं छोड़ूंगा, अंदर करूंगा अंदर। तुमने मेरे ख्याल को यकीन में बदल कर यह साबित कर दिया कि जिस आदमी के पास दिमाग है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ये रघु हैं, हमारे गोडाउन की दिन रात अच्छी तरह देखभाल करते हैं। हेलो मिस्टर वॉचडॉग। कुत्ता बोला। होल्ड इट, तुमने गलत समझा रघु। इन्होंने तुम्हें डॉग नहीं वॉचडॉग कहा है, जिसका मतलब होता है रखवाला। इस गलती से एक बात अच्छी हुई, एक मर्द से मुलाकात हुई। सॉरी। ये हुई ना बात, चलो विनाश। ये मेरी तरफ से इनाम है, इसमें तुम्हारे बंगले की चाबी है, तुम्हारी गाड़ी की चाबी है और 1,00,000 रुपए है। थैंक यू। इतने छोटे काम के लिए इतना बड़ा इनाम। कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूं। हाय सुपरमैन। हाय। एक ही झटके में 1,00,000 रुपया कैश, कार, फ्लैट। मैं तो देखते ही फ्लैट हो गई थी। मेरा मतलब है कि सुनते ही फ्लैट हो गई थी। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना सुनिए। मैंने जिंदगी में आज तक खोया ही खोया अविनाश, कुछ पाया नहीं। शायद इसलिए जिंदगी को धुएं में उड़ाती रहती हो। जिंदगी नेमत है सोनिया, इसे संभाल के रखो। किसके लिए? अपने लिए, अपने चाहने वालों के लिए। भैया सुबह से कहाँ थे? माँ जाग जाएगी। मैं जाग रही हूँ। अरे तू जाग रही है। माँ तू जल्दी से अच्छी हो जा, तेरे लिए खूबसूरत घर इंतजार कर रहा है। घर मिल गया भैया? अरे ऐसा वैसा घर नहीं, एक बहुत बड़ा बंगला मिला है। अच्छा। कैसे आई? दिल का दरवाजा खुला था, चली आई। दिल तक पहुंचना आता तुम्हें? आहा।
तूफा इधर भी है तूफा भंवर से निकालो के जी चाहता है मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा इस शहर में किसी भी नाइट क्लब में डांस नहीं कर पाओगी और किसी ने तुम्हें नौकरी दी तो आज शूट है मैं तुम्हें फुटपाथ पे ला सकता हूं 100-100 रुपए की बिकोगी 100-100 रुपए की क्यों अपनी हालत करना चाहती हो मैं तुम्हें माफ करता हूं मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कल रात को तुम कहां थी कम ऑन सोचो तुम्हें यहां खाना फ्री रहना फ्री एक शो के 5,000 रुपए मिलते हैं तुम्हें ऐसी नौकरी और कहीं नहीं मिलेगी और ना ही मेरे जैसे चाहने वाला सुनियो इस दुनिया में मेरे जैसे चाहने वाला कभी नहीं मिलेगा कभी नहीं नेवर अंडरस्टैंड मुझे चाहने वाला मिल चुका है टाटा आप यहां काय खबरलात मी भिंडे इंस्पेक्टर भिंडे मैं तुमसे कुछ इंक्वायरी करने के लिए इधर आया हूं सोच समझ कर सच सच जवाब देना क्योंकि तुम्हारा हर जवाब अदालत में भी बयान बनकर पेश किया जा सकता है पहला सवाल तुम काम क्या करते हो दूसरा सवाल आपके पास इतना बड़ा बंगला और इतनी बड़ी गाड़ी कहां से आई पहले आप ये बताइए आप यहां कैसे आए आप चाहें तो अपने वकील को टेलीफोन करके इधर बुला सकते हैं क्योंकि आई एम श्योर जब आप यहां से बाहर जाएंगे आपके हाथ में हथकड़ी होगी पुलिस स्टेशन है? जी मैं 32 कामेकल रोड से बोल रहा हूं एक आदमी जबरदस्ती मेरे घर में घुसा है और मुझे धमकी दे रहा है हो सकता है वो चोर हो डाकू हो खूनी हो आप फौरन यहां चले आइए जी हाँ थैंक यू और हाँ हथकड़ी लाना मत भूलिएगा नहीं नहीं ऐसा नहीं लगता आप भाग जाने की बात कर रहे हैं वो तो कुर्सी से हिलने को तैयार नहीं ये क्या मजाक है 97 क्या मतलब 97 अंडर सेक्शन 97 ऑफ द इंडियन पिनल कोड मैं आप पर क्रिमिनल ट्रेसपेसिंग का केस कर सकता हूं केस क्योंकि बिना सर्च वारंट के कोई किसी के घर में नहीं घुस सकता मुझे वकील की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं खुद वकील हूं एंड ऑल्सो आई एम द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी व्हिच हैज गिवन मी दिस बंगलो एंड अ कार एनी मोर क्वेश्चंस सर आप हर जगह हमसे पहले कैसे पहुंच जाते हैं इसको अरेस्ट आप इन्हें जानते हैं जी कौन है ये He's the all India famous inspector, भेंडे सर हो सकता है ये नकली भेंडे हो सर आपने इन्हें अपना कार्ड नहीं दिखाया मी नकली मी असली भिंडे मेरा बाप असली मेरी मां असली तुम नकली मैं ये साबित करके रहूंगा चलो एक्सक्यूज मी काय आपने कहा था कि यहां से बाहर जाते वक्त मेरे हाथ में हथकड़ी होगी ये आपके हाथ में ज्यादा अच्छी लगती है हाय गुड न्यूज़ मैं हमेशा के लिए आ गई कल रात को मैं शो पर भी नहीं गई तिलक ने मुझे नौकरी से निकाल दिया और साला कहता है कि मैं फुटपाथ पर आ जाऊंगी मैं यहाँ आ गई और घोचू कहता है कि मुझे उसके जैसा प्रेमी नहीं मिलेगा मैं तो उसे कहकर आ गई हूँ कि मुझे मिल गया है अविनाश के फ्लैट में किला शूट हर नो 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 सुनो पहले अविनाश को खत्म करो शूट हिम किल हिम मगर सर बड़े बॉस की फिक्र मत करो बॉस को मैं संभाल लूंगा जब वो मर जाएगा तो बॉस क्या करेगा कुछ नहीं नो गेट आउट नहीं सुनो उसका पीछा करो और मौका मिलते ही उसकी कार में टाइम बम डाल दो नो गेट आउट
गुड मॉर्निंग गीता, बता मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। डब्बा जिसमें कोई चीज है, जैसे कपड़ा। चीज तुम्हारी, कपड़े भी तुम्हारे। थैंक यू भैया। सारे रंग ले आया हूँ, पता नहीं कौन सा रंग पसंद हो, ये लो। बस काला रंग पसंद नहीं है, उस रंग से मैं बोर हो गई हूँ। बेटा तू इसे घुमाने क्यों नहीं ले जाता? सुना तेरी गाड़ी बहुत अच्छी है। बोल कहाँ चले? गेटवे ऑफ इंडिया। ओके। ये गेटवे ऑफ इंडिया है। ये लाल पत्थर का है ना भैया? हाँ। जानती है ये कब बना था? जब किंग जॉर्ज द फिफ्थ पहली बार भारत आए थे तब यहाँ उतरे थे। बहुत इंटेलिजेंट है तू। आओ चौपाटी चलते हैं। ये सामने चौपाटी है। चौपाटी? हाँ। क्या सुंग रही है? ये चौपाटी नहीं हो सकती भैया। क्यों? ना भेलपुरी वालों की खुशबू आ रही है, ना नारियल पानी वालों की आवाज सुनाई दे रही है। ये तो मुझे भैया तुम गाड़ी घुमाकर वापस गेटवे ऑफ इंडिया ले आए हो। बहुत होशियार है तू। अब तो तुझे चौपाटी ले जाना ही पड़ेगा। चलो। भैया एक बात बता, अब तुम्हारे पास नौकरी तो है ही। हाँ। घर भी है। हाँ। कार, टीवी, फ्रिज सब कुछ है। हाँ। तो अब तुम्हें फौरन क्या करना चाहिए? शादी। राइट, बताओ कब कर रहे हो? बस जैसे ही एक अच्छा कमाओ खूबसूरत लड़का मिल जाए मैं तेरी शादी। भैया सच गीता, वो दिन मेरे लिए सबसे खुशी का दिन होगा जब मैं अपने हाथों अपनी बहन का कन्यादान कर सकूं। आप सचमुच के इंस्पेक्टर हैं या किराए की वर्दी पहनी है? आउट आउट। मैं असली इंस्पेक्टर भिंडे, असली आइडेंटिटी कार्ड, असली सर्च वारंट, तुम है नकली। मुझे गाड़ी की चाबी दो, तलाशी लेनी है। लव कार। आओ बाहर आओ जल्दी। लोकरिया कर, लोकरिया, लोकरिया। शेके के जिनके बारे में मैंने तुमसे तारीफ की थी। तब तो पहले हमारी तारीफ करो अग्निहोत्री। क्या
कि अविनाश को तुम तक पहुंचाने में केके का ही हाथ है। वो कैसे? ठीक कह रहे हैं ये साहब, कॉलेज से निकालने की मेहरबानी मुझ पर ना करते तो। ना सिर्फ तुम्हें कॉलेज से निकालने की, हमने तुम्हें कहीं भी नौकरी नहीं मिलने दी। बहुत अच्छा किया आपने। तुम्हें तो हमारा शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम्हारी गरीबी के मुंह पे हमने एक ऐसा तमाचा मारा कि वो कभी भी तुम्हारी तरफ मुड़ के नहीं देखेगी। फिर शुक्रिया तो मुझे करना ही चाहिए। ये तमाचा मैंने आपकी बेवकूफी के मुंह पर मारा है, वो भी अब कभी पलट कर आपको नहीं देखेगी। छोड़ो अग्निहोत्री, ये मेरी इंसल्ट है। वसनाई, मेरे ख्याल से अविनाश ने तुम्हारे तमाचे का जवाब दे दिया है, ताकि बिजनेस में हम एक दूसरे को छोटा बड़ा नहीं बल्कि बराबर का समझें। चलो गुस्सा थो। ओ कमान केके, अविनाश तुम तो जानते ही हो कि केके कई कॉलेजेस का मालिक है, लेकिन शायद तुम्हें यह पता नहीं केके स्टूडेंट्स के डोनेशन के पैसों से हमसे कोकीन खरीदता है और उसी कोकीन को स्टूडेंट्स में बांट देता है। Isn't it a profitable business? I'll shoot him! हट जाइए भाई साहब, इसने मेरी गाड़ी में टाइम बम डाला। ये मेरे को जान से मारना चाहता है। Shut up! अगर ये तुम्हें जान से मारना चाहता तो टाइम बम सामने नहीं देख के मैं रखता, समझे? जैसे तुमने रखवाया था कि नहीं? Say sorry to him now. Say sorry. Sorry. चलो। घबराने की कोई बात नहीं है, तुम मां बनने वाली हो। Are you sure? Of course. एक खुशखबरी दूं मिस्टर अविनाश, आज आपकी मदर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जा रहा है। कोई घबराने की बात तो नहीं? हाँ हाँ, लेकिन आपको उनका ख्याल रखना पड़ेगा। और हाँ, कभी फिर से उन्हें दौरा पड़े तो आप ऐसा कीजिए, ये इंजेक्शन अपने पास रखिए, ये इंडिया में नहीं मिलता, हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। दैट्स व्हाई इट्स वेरी वैल्यूएबल। टेक केयर ऑफ दिस। थैंक यू डॉक्टर। इट्स ऑल राइट। थैंक यू वेरी मच। ये चोरी चोरी कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? डॉक्टर ने हमें घर जाने को कह दिया है। चोरी तो आज तुम्हारी पकड़ी गई भैया, हमसे पूछे बगैर घर में किसे बिठा रखा है? घर में किसी को तो नहीं? झूठ नहीं भैया, मैंने उसे फोन पर बात भी की, बड़ी प्यारी आवाज है। बेटा बहाना बनाने से कोई फायदा नहीं, हमें मालूम हो गया है कि वो घर पर रह रही है। ओ वो मेरे बॉस की सेक्रेटरी है माँ, उसके रहने का इंतजाम नहीं हुआ इसलिए दो चार दिन हमारे बंगले में ठहर गई है। अकेली? कुछ उल्टा सीधा मत सोचना माँ, वो बड़े मॉडर्न ख्यालात की लड़की है, उसके और हमारे तौर तरीके बिल्कुल अलग हैं। मुझे तो ऐसी लड़की चाहिए जो तुम्हारा ख्याल रख सके, घर की देखरेख कर सके, पूजा पाठ कर सके। चाहे जितना तू सता फिर भी तुझे चाहूंगी, जाने जाए के रहे हार नहीं मानूंगी। नंदिका लाला, नंदिका लाला,
जीती रहो बेटी, तूने तो घर को मंदिर बना दिया। मेरा नाम गीता है भाभी। बेटा तू तो कह रहा था कि अब जाने भी दे माँ। मैं सब समझती हूँ। बेटी तेरे घर में कौन कौन है? बाबूजी हैं और दीदी हैं। तू उन्हें फौरन चिट्ठी लिख के यहाँ बुला ले, मैं शादी पक्की कर देना चाहती हूँ। साज ये क्या कह रही है माँ, शादी ब्याह कोई मजाक है? पहले ये तो समझ आनी चाहिए लड़की कौन है कैसी है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं जब भी शादी करूंगा सोच समझ कर करूंगा। हाँ बेटी मत रो, बेटी मैं देखती हूँ ये तुझसे कैसे शादी नहीं करता। मत रो मत रो बेटी। मन ने अंदाजे से बनाई है, वैसे अच्छा होता कि आप उनकी उंगली का माप ले जाते या ऑर्डर देते वक्त वो आपके साथ होती। ये अंगूठी पहनने के बाद वो जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाली है सेठ जी, मगर अभी तक उसे मेरे दिल की बात का पता नहीं। अचानक हाथ पकड़कर पहनाऊंगा तो हैरानी में मिली खुशी और खुशी में मिली हैरानी देखने के काबिल होगी। कहां से आ रही हो? कहां गई थी तुम? क्या करने जा सकती थी? सुबह से मां और गीता परेशान है। मैं पूछता हूं इतनी देर कहां थी तुम? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में क्या करने गई थी? अपना पाप मिटाने। क्या? मैं तुम्हारा बच्चा गिरा कर आई हूं। यू फूल, अबॉर्शन कराने की क्या जरूरत थी? मैं नहीं चाहती कि कोई मेरे बच्चे को हरामी कहे। कौन कहता उसे हरामी? एक बिन ब्याही लड़की के बच्चे को और क्या कहते हैं? तुम अपने आप को मर्द कहते हो ना, मुझसे प्यार करते हो, मेरे साथ सो सकते हो, मगर मुझसे शादी नहीं कर सकते। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा? कल तुमने गीता और मां के सामने क्या कहा? मैं सोच समझ के शादी करूंगा। अरे बेवकूफ लड़की, वो तो मजाक था। क्या सुनना चाहती हो तुम मुझसे? कि मैं तुमसे प्यार करता हूं? अब तक जो करता आया हूं वो प्यार नहीं तो और क्या था? अब तक तुम यहां हो वो शादी नहीं तो और क्या है? अगर ये सब तुमने महसूस नहीं किया तो पूछ तो लेती, बच्चा गिराने की क्या जरूरत थी? बच्चा है। क्या? हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला था। मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती थी कि तुम मुझसे शादी करोगे, मुझसे प्यार करते हो। हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? तुम्हें अपने बिजनेस के सारे रास्ते देख लेने चाहिए। ये तो वैश्याओं का। माइकल, वो 125 लड़कियों का लॉट जो आया था। सिवाय एक के सारी बिके साहब। गुड माइकल, गुड। हेलो सर, ये अविनाश है, हमारे नए पार्टनर। आज से यहां का हिसाब किताब यही देखेंगे। भैया मुझे बचा लो, भैया भैया मुझे अंधे पर रहम खा। अंदर गिरी क्या? अंधी लड़की पे हाथ उठाता है, जान से मार दूंगा मैं तुझे। ये जलालत है, मासूम लड़कियों को अपना जिस्म बेचने पर मजबूर करना कानून की नजरों में नहीं इंसानियत की नजरों में भी जुर्म है, पाप है। और मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं ये पाप नहीं होने दूंगा। अविनाश, अब तक जो कुछ तुमने हमारे साथ मिलकर किया क्या वो जुर्म नहीं था? अपनी मां और बहन को जिस पैसे से तुम पाल रहे हो क्या वो पाप की कमाई नहीं? पुण्य और पाप पैसे पर नहीं लिखा होता अविनाश, पैसा पैसा होता है। जिसके बगैर तुम्हारी मां अस्पताल में तड़प तड़प कर मर सकती थी, समझे? हाँ, जिंदगी की लड़ाई में मजबूरी की शक्ल में ये मेरी पहली हार थी, ये मैं मानता हूं, लेकिन अभी जिंदगी बाकी है और लड़ाई भी और मजबूरी भी। हमारे धंधे की कमाई के जरासीम एक बार जिस खून में घुस जाते हैं अविनाश, वो खून सारी दुनिया के लिए बेकार हो जाता है, वरना फिर हम उसे बेकार कर देते हैं। जो सीढ़ी तुम चढ़ चुके हो अविनाश, वो उठा दी गई है। आगे बहुत सीढ़ियां हैं, मगर पीछे सिर्फ एक अंधेरी
गहरी मुंह खोले हुए खाई है जो हमेशा भूखी रहती है। इसलिए मेरे दोस्त, इस वक्त तुम दिल से नहीं दिमाग से काम लो। यू आर राइट मिस्टर अग्निहोत्री, आई एम सॉरी, मैं जज्बात में बहक गया था, आई एम वेरी सॉरी। मैंने पहले ही दिन कहा था ब्रदर कि ये आदमी गड़बड़ है, इसे पहले ही दिन पर शूट कर देना चाहिए था। शट अप, जाओ इस पर नजर रखो। तो तुम कानून की मदद करना चाहते हो? यस सर, बेसिकली मैं कानून का ही आदमी हूं। मतलब? आई होल्ड फर्स्ट क्लास फर्स्ट डिग्री इन लॉ। आई सी। मिस्टर अविनाश, अग्निहोत्री के खिलाफ कानून की मदद करने का एक तरीका और भी है। तुम उनके साथ जहां हो, जैसे हो, वैसे ही बने रहो ताकि उन्हें तुम पर शक ही ना हो, और फिर धीरे धीरे उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करते जाओ। यह उन तीन अड्डों का पता है जहां उनके खिलाफ आपको सारे सबूत मिल जाएंगे। मेरा ख्याल है तुम अच्छी तरह जानते हो इस तरह पुलिस की मदद करने में तुम्हारी जान को खतरा है। मैं खतरा सोचकर आपके पास आया हूं सर, आज से मैं कानून के साथ हूं। गुड। कोई बन नहीं साहब, इधर कोई नहीं है सर। यहां पर कोई नहीं। क्या कह रहे हो, वहां भी कुछ नहीं मिला? ए, आज हमारी शादी का दिन है, तुम खुश नहीं? अभी मुझे बहुत डर लगता है। मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुमने मुझे उस दलदल से निकाल लिया, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, हमारे बच्चे के बारे में सोचती हूँ। मैं नहीं चाहती कि हमारे प्यार की निशानी जुर्म के सामने पले। तुम जिन लोगों के लिए काम करते हो, मुझे इस बात का एहसास है सोनिया, जल्द ही हम इस माहौल से दूर होंगे और हम अपनी दुनिया बसाएंगे। अभी हेलो अविनाश, यहां से 80 मील दूर पर एक पोर्ट है मांडवा, वहां फौरन पहुंच जाओ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। जी। अविनाश वहां से वापस नहीं आएगा। लेकिन लेकिन ब्रदर सोनिया, तुम उसे चाहते हो? यह जाओ, तुम्हारा रास्ता साफ है। थैंक्स ब्रदर। बहू। माँ, आज दिल करता है कि मेरी आंखें हों, मैं अपनी भाभी को देखना चाहती हूँ। क्या बात है बहू? माँ जी, आपका बहुत बड़ा दिल है, मेरे बारे में बिना कुछ जाने आपने मुझे बहू स्वीकार किया। मुझे अपने बेटे की पसंद पर पूरा विश्वास है। फिर भी मैं आपको मेरी बीती हुई जिंदगी के बारे में सब कुछ बताना चाहती हूँ। वो सब कुछ तुम अविनाश को बताना बेटी, मैं तो तुम दोनों के आने वाली जिंदगी के सुनहरे सपने देख रही हूँ, बस मेरे सपने पूरे कर देना। भाभी, माँ जल्दी से जल्दी दादी बनना चाहती है। हेलो। क्या गोली लगी? कैसे हैं वो? मैं अभी आती हूँ। अविनाश। सोनिया,
अरे छोड़ दो मुझे। वो जगह है विनाश जहां शहर के सारे रास्ते आकर खत्म हो जाते हैं और अब तुम्हारी जिंदगी के सारे रास्ते भी खत्म हो चुके हैं। मैंने तुमसे कहा था ना दोस्त, जो सीढ़ियां तुम चढ़ चुके हो वो खत्म हो गई हैं। अब नीचे सिर्फ एक लंबी घिनौनी खाई है जो हमेशा भूखी रहती है। अग्निहोत्री के साथ गद्दारी का अंजाम तुम जानते हो अविनाश, खत्म कर दो इसे। मरने का गम नहीं है मुझे अग्निहोत्री, मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हारे सारे काले धंधे खत्म कर दिए। वैसे अविनाश मुझे अच्छा याद आया, आज तुम्हारी शादी है ना। लेकिन तुम्हारी महबूबा दिलीप के साथ होटल में वाट शे। अंडर अरेस्ट। सोनिया को हॉस्पिटल ले जाना है, हट जाओ। ओह नो, हॉस्पिटल, फॉलो मी। अगर सोनिया को कुछ हो गया तो मैं दिलीप को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, उसे कुछ नहीं होगा। अविनाश, वो आखिरी सांसों में शायद तुमसे कुछ कहना चाहती है। No!
क्या हुआ? वो मर गई। तुम कहाँ जा रहे हो? दिलीप ने सोनिया की जान ली है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। नहीं, मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह से समझता हूँ। कानून को अपने हाथों मत लो, हट जाओ। अगर तुमने दिलीप की जान ली तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। एक घटिया आदमी के लिए अपनी जान को कुर्बान मत करो, हट जाओ। अविनाश, जल्दबाजी में तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। खैर, जो कुछ हुआ उसका मुझे अफसोस है, मगर तुम हिम्मत मत हारना। अग्निहोत्री के खिलाफ सब सच सच बोल देना। अदालत में मैं तुम्हारे हक में गवाही दूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि पुलिस की मदद से तुम्हें बहुत ही कम सजा होगी। मुझे अपनी नहीं, अपनी मां और बहन की फिक्र है। घबराओ नहीं, वो पुलिस की हिफाजत में है और कल वो दोनों कोर्ट में मेरे साथ होंगी। अगर तुम अपनी मां और बहन की जान की सलामती चाहते हो तो सारे इल्जाम अपने सर ले लेना, वरना मेरा पहला इल्जाम, मोहब्बत में बेवफाई देखकर मुलजिम ने किंग्स होटल की कैबरे डांसर
यानी कि अपनी महबूबा मैं सोनिया को 10वें मंजिल से नीचे फेंक दिया और उसकी मौत वाकया हुई। मेरा दूसरा इल्जाम मोहब्बत में अपने रकीब मिस्टर दिलीप अग्निहोत्री का बेरहमाना कत्ल। दैट्स ऑल योर ऑनर। अविनाश कपूर, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जो इल्जाम आप पर लगाए हैं क्या वो सही हैं? आप अपना कसूर मानते हैं या नहीं? डू यू प्लीड गिल्टी और नॉट? गिल्टी। दोनों खून मैंने किए हैं। अदालत मुलजिम अविनाश कपूर को इंडियन पैनल कोर्ट के जेरे दफा 302 और 307 के तहत मैं सोनिया और दिलीप अग्निहोत्री के कत्ल का मुजरिम मानते हुए सजाए मौत का हुक्म देती है। टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। क्यों भूखे से खाना छुपा रही हो? दे दे, सारे जिस्म में चूहे दौड़ रहे हैं। खबरदार जो मेरी बेटी को छुआ भी है। शिकारी कभी शिकार नहीं छोड़ता। नाकोस, मी आलो, मी भिंडे, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे। घबराइए नहीं, आप बिल्कुल ठीक हैं। अरे पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर, आपका नाम? आप ये क्या कर रहे हैं? आपसे कहा ना कि सबसे पहले डॉक्टर एग्जामिन करेंगे। देखिए सिस्टर, ये मेरी ड्यूटी है। मेरी भी ड्यूटी है कि इन्हें किसी से बात न करने दी जाए। अच्छे दिन के बाद इनको होश आया है। डॉक्टर का कहना है इनके सिर पे काफी गहरी चोट पहुंची है, हो सकता है इनकी याददाश्त जाती रही हो। अगर मैं याददाश्त खोने का बहाना कर लूं तो मैं फांसी से बच जाऊंगा और अग्निहोत्री से पतला। आप बहुत लकी हैं जी। आप जिस वैन में सफर कर रहे थे उसका एक्सीडेंट हो गया था, याद है ना आपको? मेरा एक्सीडेंट? मुझे कुछ याद नहीं। सब याद आ जाएगा। जिस्म में कहीं दर्द तो नहीं महसूस कर रहे हैं आप? कौन हैं आप? डॉक्टर सरिता। डॉक्टर सरिता, मुझे क्या हुआ? ये नर्स किस एक्सीडेंट की बात कर रही है? मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपका नाम? मेरा नाम है क्या है मेरा नाम?
क्या है मेरा नाम मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम मैं कौन हूं। डॉक्टर, अब जब इन्हें होश आ चुका है तो आप इन्हें हमारे हवाले कर दीजिए, हम सरकारी अस्पताल में इनका इलाज करवा लेंगे। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर, ये मेरे पेशेंट है। जब तक मुझे पूरी तसल्ली नहीं हो जाती कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, मैं इन्हें पुलिस के हवाले नहीं कर सकती। ठीक है। लिख लीजिए थ्री टाइम्स। डॉक्टर, डॉक्टर, वो 9 नंबर वाला पेशेंट अपने बेड पे नहीं है। क्या? नहीं! मैं कितनी बार कह चुका मुझे कुछ याद नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सच भी तो नहीं बोल रहे हो तुम। खून किए है तुमने। मुझे कुछ याद नहीं। दो दो खून किए है तुमने। मुझे कुछ याद नहीं। बलात्कार भी किया है तुमने। मुझे कुछ याद नहीं। तुम्हें फांसी की सजा भी हुई है। मुझे कुछ याद नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। याद दिलाने के तरीके आते हैं हमें। इंस्पेक्टर सर, कैरी ऑन। राइट सर। व्हाट द हेल। मैंने कहा था किसी को भी अंदर। किसकी परमिशन से आप मेरे पेशेंट को अस्पताल से उठाकर यहां ले आए हैं? जान लेना चाहते हैं आप इसकी? आप जानते हैं इसकी दिमागी हालत क्या है? अगर इसे कुछ हो गया ना तो आप जिम्मेदार होंगे और मैं पूरे पुलिस डिपार्टमेंट पर केस कर दूंगी। पुलिस अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह जानती है और इसीलिए हम इसे यहां लाए हैं। हमें यकीन है कि यह आदमी याददाश्त होने का बहाना कर रहा है। यह झूठ है। मुझे कुछ याद नहीं। इसका फैसला आपका यकीन नहीं, मेरी रिपोर्ट करेगी जो मैंने पुलिस अथॉरिटीज को अभी तक दी नहीं। मैं अपने पेशेंट को लेकर वापस जा रही हूँ। मगर बेटी, मैं इस वक्त एक डॉक्टर हूँ। I know, लेकिन पुलिस की नजरों में ये अभी भी एक मुजरिम है और इतने बड़े अस्पताल में इस पर निगरानी नहीं रखी जा सकती। इसीलिए मैं इसे घर पर ले जा रही हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर IGP के घर में किसी मुजरिम की निगरानी नहीं हो सकती तो फिर कहीं नहीं हो सकती। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जोशी। ओ बड़े देरों बाद, कैसे हो? फाइन सर। सर एक बुरी खबर है। हम पुलिस वालों को बुरी खबरें सुनने की आदत हो जाती है। यह बंडल कैसा है तुम्हारे हाथ में? सर आपकी बेटी लापता थी ना? अभी भी है। और मैं इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होकर भी अभी तक उसका पता नहीं लगा सका। ओह यस, यही तो है। कहाँ है कविता? कविता? ओ, इसीलिए शायद हमें आपकी बेटी को ढूंढने में देर हो गई। दरअसल कविता ने अपना नाम बदलकर सोनिया रख लिया था। मगर वो है कहाँ? आई एम सॉरी सर, वो अब इस दुनिया में नहीं। नाइट क्लब में डांसर हो गई थी। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो अविनाश से शादी करने वाली थी के। अविनाश? जी हां, वही जो आजकल आपके घर पर है। वो खूनी? नहीं सर, वो खूनी नहीं है। दरअसल उसकी सजा के लिए कुछ हद तक मैं अपने आप को और पुलिस डिपार्टमेंट को दोषी समझता हूं। वो मेरे पास आया था।
अविनाश ने कविता के लिए जो कुछ किया उसके लिए हम उसके एहसानमंद हैं, और एक डॉक्टर होने के नाते मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसकी याददाश्त वापस आ जाए। याददाश्त? जोशी, अविनाश के साथ वाकई नाइंसाफी हुई है। मेरे ख्याल में अब पुलिस की गलती पुलिस को ही सुधारनी होगी। जी। यस सर, एसीपी जोशी साहब है सर। एक मिनट जोशी, तुम्हारे लिए फोन। थैंक यू सर। यस हाँ, मैं जोशी बोल रहा हूँ। सर सर, अपन तुमसे अग्निहोत्री के बारे में कुछ बोलना मांगता है सर। सर मेरी जान खतरे में सर, फोन पर नहीं। सर सर आप होटल में आ सकते हैं सर, और हाँ सर पुलिस की वर्दी में नहीं। अगर अग्निहोत्री को पता चल गया सर वो बस जालिम आदमी है, वो अपन के बॉडी को सब बुलेट से भर देगा सर। प्लीज सर, सर आप आएंगे ना? ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। ही इज कमिंग। एसीपी जोशी, तुम लोग 5 मिनट तक मेरा इंतजार करना। ओके सर। और 5 मिनट के बाद अगर मैं बाहर ना आऊं तो तुम लोग अंदर आ जाना। राइट सर। माइकल फर्नांडिस, माइकल फर्नांडिस इनसाइड सर। माइकल फर्नांडिस, अविनाश तुम हैरान होगे कि तुम्हें यहां क्यों लाया गया है। एक ऐसे नेक इंसान की मौत हुई है जिसे तुम अच्छी तरह जानते हो। कौन है? तुम इन्हें नहीं जानते? अग्निहोत्री को भी नहीं जानते? अग्निहोत्री, जिसके खिलाफ की गई कार्रवाई में जोशी तीसरा ऑफिसर है जो मारा गया है। मरने से पहले उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया था। यह भी कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ वो अग्निहोत्री के खिलाफ पुलिस की मदद करने के कारण हुआ। ऑफिसर, carry on with the final rites. Fire! Fire! IG साहब, लंका को खत्म करने में विभीषण का बहुत बड़ा हाथ था, इसलिए कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। याददाश्त खोने का बहाना भी अग्निहोत्री था,
और मौका पाकर भागने का कारण भी अग्निहोत्री था। मतलब अग्निहोत्री जैसी बीमारी को फैलने दिया गया तो ना जाने और कितने पुलिस वाले शहीद होंगे, ना जाने कितनी औरतें वैश्या बनेंगी, ना जाने कितने स्टूडेंट्स चर्सी। अग्निहोत्री को खत्म करना हो तो मुझे मौका दीजिए, मैं उसके और उसके गैंग के बारे में सब कुछ जानता हूं, उसकी हर चाल पहचानता हूं। मैं एक ऐसा हथियार हूं आईजी साहब जिसे पुलिस वाले अग्निहोत्री के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं, सिर्फ मैं। पुलिस ऑफिसर? आप उस आदमी को पुलिस ऑफिसर बनाने जा रहे हैं जिसे अपने बारे में कुछ पता ही नहीं? जारी इज अ सिक मैन, और आप सोच रहे हैं कि वो खतरनाक क्रिमिनल्स को पकड़ लेगा? अविनाश का चेहरा वो लोग अच्छी तरह पहचानते हैं। तो उससे क्या होगा? ये तो वक्त ही बता देगा। पर जारी, होल्ड इट। डॉक्टर, आप अभी एक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के साथ बात कर रही है, और हमने जो फैसला किया है वो फाइनल है। अब आप ही सोच लीजिए आपको अपना इलाज जारी रखना है या नहीं। ऑफ कोर्स जारी रखना है, मैं पेशेंट को अकेला नहीं छोड़ सकती, वो जहां जाएगा मैं उसके साथ जाऊंगी। लक्ष्मण बेटा चलो खाना तैयार है। हाँ माँ जी। गीता आओ खाना खा लो। आई माँ। कौन है भैया? भैया 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 गीता, भैया गीता, माँ माँ भैया आए हैं। माँ भैया, हाँ भैया आए हैं। गीता बेटी, तेरे भैया यहाँ कैसे आ सकते हैं बेटी? वो तो हमसे बहुत दूर चले गए बेटिया, बहुत दूर। चल चलो खाना खा ले। इस कैमरे में तस्वीर नहीं, तुम्हारी जिंदगी कैद है रघु। मैं चाहूं तो तुम्हें जिंदगी भर के लिए जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता हूं। ये तो तूने सोचा ही नहीं कि मैं तुझे कहां पहुंचा सकता हूं। आंखों की रोशनी पल भर के लिए चली जाए तो इंसान कितना मजबूर हो जाता है। मेरी बहन भी मजबूर थी और तूने उसकी मजबूरी का खूब फायदा उठाया था। आज मैं भी तुझे वैसे ही मजबूर कर दूंगा। अफसोस, मैं तो समझता था कि तुम मर्द हो। केके को फोन,
और कह उसे कि कल 10 बजे की डिलीवरी वो खुद लेने आएगा। करता 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 मुझे एक मोटा सा गवाह चाहिए। के बोलो, अग्निहोत्री के खिलाफ गवाही दोगे या? दूंगा दूंगा। नहीं के, मुझे लगता है मैं तुम्हें मार ही डालूं। नहीं तो जितने स्टूडेंट्स तुम्हारी दी हुई कोकेन से मरे हैं उन सब की आत्माएं मुझे सताएंगी। अलविदा। चलो। मी भिंडे, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे। मुझे मालूम था कि जाड़िया से बदला लेने के लिए तुम इधर जरूर आओगे, इसलिए मी तुम्हारा पीछा करते 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 यहां तक पहुंच गया। देवा रे देवा, आज मेरी तमन्ना पूरी हो गई। हाथ ऊपर करो। ऊपर ऊपर, पकड़ लिया ना। ले लो उसे। ए भेनिया, ए साला भेनिया, दुनिया को खिलाता चरस गांजा, खुद हो गया जानिया। अबे मोटे अकल के घोटे, कद के छोटे, अब तू बोलेगा रोते रोते मतलब माफ कर रहा, मतलब माफ कर रहा। मैं बोलूंगा नको। मैं इंस्पेक्टर भिंडे किसी को माफ नहीं करता, सिर्फ साफ करता है। ओके, ले जाओ उस गेंडे को, पीछे से तो ट्रक लगता है। सलाम साहब। एक आप तो अल्लाह, ये क्या हो रहा आज? सलाम साहब। तीन मैं भिंडे। हाँ चार भिंडे। ये क्या हरकत है? नो सर, ये हरकत नहीं है, बरकत है सर। ये अविनाश है जिसे कत्ल के जुर्म में फांसी की सजा हुई थी। जेल ले जाते वक्त एक एक्सीडेंट हुआ और उसका फायदा उठा के सर ये भाग गया। लेकिन सर ये भाग कर जाएगा कहां? मेरा नाम भी भिंडे है, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे। सर मुझे मालूम था कि अग्निहोत्री और उसकी गैंग से बदला लेने के लिए जरूर आएगा, और सर ये आया, मैं भी आया और आपके सामने लाया। भिंडे, ओ सॉरी सर, सॉरी सॉरी सर। तुम ये नहीं जानते कि उस एक्सीडेंट में अविनाश की याददाश्त चली गई थी और सीनियर ऑफिसर की रिक्वेस्ट पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्पेशल ऑर्डर्स लेकर इन्हें यहां ACP बनाकर भेजा गया है, और इस वक्त ये तुम्हारे सीनियर ऑफिसर हैं। सैल्यूट हिम। आई से सैल्यूट हिम। ओ सॉरी सर। हथकड़ी खोलो फौरन। यस सर। से सॉरी। सॉरी सॉरी सर। सॉरी सर। गुड, वेरी गुड। वाकई में आपको अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं? नहीं। अपनी माँ और बहन के बारे में भी कुछ याद नहीं? माँ बहन। कुछ गड़बड़ घोटाला आहे। कौन है ये ACP? नया नया शहर में आया सर। इसीलिए
प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके आज छुट्टी के दिन मैंने सारी क्लास को बुलवाया था, मगर यहाँ सिर्फ आप तीनों। आप प्रोफेसर अविनाश कपूर के बारे में जानना चाहती है ना? हम बता देते हैं आपको, डिस्को कल्चर हम सिखा देते हैं, और रेप कैसे होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। कौन है तुम लोग? क्या चाहते हो? रुक जाइए। आपको देखा है? जल्दी नहीं, जल्दी नहीं, ये देखो। सर, इनकी जमानत मत लेना। नहीं नहीं नहीं, एक रात हवालात में गुजारने देना इन्हें। सर, हेलो। हाँ साहब, हाँ सर, सर सर आपका फोन। हेलो एसीपी साहब, मैं किंग्स इंटरनेशनल का प्रोप्राइटर अग्निहोत्री बोल रहा हूँ। फरमाइए। आपकी बहादुरी के इतने चर्चे सुने हैं कि आपकी शान में मैं एक दावत रखना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है आप नाराज नहीं करेंगे हमें। जहे नसीब अग्निहोत्री साहब, एक हसीन नशीली और शानदार पार्टी सचमुच हमारी कमजोरी है। हम जरूर आएंगे। शुक्रिया। तो कल रात 9 बजे हम आपका इंतजार करेंगे। अविनाश, तुम यहां क्या कर रहे हो? आपकी तारीफ। तुमने मुझे नहीं पहचाना? जी नहीं, मुझे एके कहते हैं, मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस हूं। आप एसीपी साहब हैं? आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरा नाम अग्निहोत्री है, मैं इस होटल का मालिक हूं। ओह, तो आज की दावत आप ही ने मुझे दी है? जी हाँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। जी, लेकिन आपके चेहरे से ऐसा लग रहा है कि आपको मुझसे मिलकर काफी तकलीफ हुई है। जी नहीं, अभी तो आपसे नए रिश्ते जोड़ने हैं। मैं नए रिश्ते ही जोड़ने आया हूँ, लेकिन ये रिश्ते ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। क्यों? डेप्यूटेशन पर हूं ना, जाने का वापस जाना पड़े। मुझसे जो फायदा उठाना है जल्दी उठा लीजिए। आहिस्से, तो फिर पहले आप हमारे इस मुलाकात का नजराना कबूल कीजिए। गुड, हम खुश हुए, आपसे दोस्ती बढ़ सकती है। शुक्रिया, मैं चलता हूं, मेरी पार्टी तो पूरी हो गई। एसीपी साहब, अभी हमारी मेहमान नवाजी पूरी नहीं हुई। Oh,
मिस्टर अग्निहोत्री, हमें आपका नजराना पसंद आया, पार्टी भी और पार्टी का ये तोहफा भी। बाय। अविनाश, फांसी के फंदे से तो तुम बच गए, लेकिन अग्निहोत्री के इस घेरे से नहीं बच पाओगे। अपने भाई का बदला मैं जरूर लूंगा। आपकी नजर काबिले दाद है अग्निहोत्री साहब, लेकिन उसी नजर से जरा देखिए आपके आदमी के पीछे कौन खड़ा है। वेटर की ड्रेस में हर आदमी पुलिस वाला है। मिस्टर अग्निहोत्री, मैं तुम्हें 24 घंटे की मोहलत देता हूं, सारे नाजायज काम बंद कर दो वरना मैं तुम्हारी सांसें बंद कर दूंगा। चलो। पुलिस बेनिफिट फंड के लिए इन पैसों का शुक्रिया। चलिए। हेलो सर, सर अपुन, सर सर अपुन माइकल, माइकल डिसोजा सर, अग्निहोत्री का आदमी सर। सर अपुन आपसे कुछ बात करना मांगते सर। सर फोन पर नहीं सर। सर हमको अपना जान का खतरा है सर। सर आप प्लीज, सर आप प्लीज होटल में आ सकते सर। मैं आ रहा हूं। ही इज कमिंग। आई विल किल दैट। माइकल, माइकल डिसूजा, फूलों का क्या किया जाए? अग्निहोत्री ने शायद आपके लिए भेजे। इन्हें मेरी तरफ से अग्निहोत्री को भेज दो, इस पैगाम के साथ कि उसका कफन भी तैयार हो गया है। भिंडे, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे, भूत से डर गया? भूत की तो आईचक को। हाउ डे यू, असली है, असली है, असली है। ये असली है तो वो नकली थी, वो नकली किधर गई? नहीं नहीं, ये असली है। वो सोनिया मेरी बहन थी और मैं हूँ सरिता, डॉक्टर सरिता। आइला, डॉक्टर सरिता, मला तुम्हाला भेटून खूब आनंद झाला। मी इंस्पेक्टर भिंडे, ऑल इंडिया इंस्पेक्टर भिंडे, असली।
इसलिए तुम दोनों एक साथ पैदा हुए। इंस्पेक्टर आप यहाँ कैसे? गुड मॉर्निंग सर। सर सर मैं आपको इनवाइट करने के लिए आया हूँ। क्या है कि सर कल मेरी शादी है। ओह रियली कांग्रेचुलेशंस। ऐसे नहीं सर, आपको मुझे मुबारकबाद देने मेरी शादी पे आना पड़ेगा सर। ऑफ कोर्स मैं जरूर आऊंगा, मुझे खुशी होगी। आप भी जरूर आइए डॉक्टर सरिता। सर आप मेरी धर्म पत्नी से मिलकर बहुत खुश होंगे, बहुत सुंदर आ है ये तो। मी तुमचा आभारी आहे कि आप इधर पधारे। आइए ना, आइए आइए आई सासुबाई। अविनाश भैया कितने अच्छे मौके पे आया। भैया कहाँ है माँ? देखो तो गीता कौन आया है। आप मेरी बहन? अपनी बहन को नहीं पहचानते? बेटी लक्ष्मण ने मुझे सब कुछ बता दिया। क्या मेरे बेटे को सचमुच कुछ भी याद नहीं? हाँ माँ जी आप झूठ बोल रही हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे भैया मुझे नहीं पहचानते। भैया मैं नहीं पहचानता तुम्हें। से गणनायकं गजमुखो मोरेश्वरं सीदितं शुभ मुहूर्त सावधाना। अभी आप इनको हार पहनाइए और पैर पड़ो। अभी आप इनको हार पहनाइए। अरे अरे हे काय करतोस? ये अभी आप इनके हाथ में बांध दीजिए। अभी लड़की का कन्यादान कौन करेगा? बेटा ठीक है कि तू मुझे नहीं पहचानता, फिर भी एक बूढ़ी मां का दिल रख ले बेटा। मेरी बेटी को अपनी बहन मानकर अपने हाथों से उसका कन्यादान कर दे बेटे। मैं समझूंगी कि मुझे मेरा बेटा मिल गया। मेरी ममता की झोली भर दे बेटे, मेरी ममता की झोली भर दे। कन्यादान करी से पानी छोड़ दो। हरि ओम प्राणायन स्वासी गक्षार्थे से कन्या कनक संपन्नाय प्रीत्यर्थ पूजनंज करी शमसी। अभी ये लड़की के हाथ में पानी छोड़ दो।
हेलो हेलो डॉक्टर, माँ को दिल का दौरा पड़ा है। डॉक्टर को वो दवाई चाहिए जो उन्होंने भैया को दी थी। डॉक्टर ने तुम्हारे माँ के लिए दवाई दी थी, वो कहाँ है? क्या हुआ माँ को? उन्हें दिल का दौरा पड़ा है। आप हॉस्पिटल जाइए, मैं दवा लेकर आता हूँ। ए, रोते नहीं हैं, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? भैया दवाई लेकर आ रहे हैं। तुम्हारे इस दवा को याद रखना, साफ जाहिर रहा है कि तुम अभी तक लोगों की आंखों में धूल झोंकते आए थे कि तुम्हारी यादाश्त खो चुकी है। पनमी भिंडे, इंस्पेक्टर भिंडे। भिंडे, तुम जानते हो माँ को हार्ट अटैक हुआ है। ये दवा माँ के लिए ले जाना बहुत जरूरी है, वो मर जाएगी। भिंडे, अब तो तुम्हारा भी रिश्ता है उससे, तुम्हारी भी माँ है वो। पहले तुम्हें सबूत के साथ पुलिस स्टेशन चलकर अपने जुर्म का इकबाल करो। राज सवाल दवा का मैं खुद पहुंचा दूंगा। किधर? रुक! पानी! डॉक्टर सरिता जी, आप गीता की माँ से मिलने आई है ना? हाँ। चलिए। ये लीजिए दवा। गुड, अब माँ कैसी है? फिलहाल खतरा टल गया है। गीता, तू फिक्र मत कर, माँ ठीक हो जाएगी। डॉक्टर सरिता कहाँ है? डॉक्टर, वो तो यहाँ नहीं आई। नहीं आई? हाय हैंसम। तुम? तुम्हारी जीत और अग्निहोत्री की तबाही मुबारक हो तुम्हें। वो इस देश से फरार हो रहा है, कोई रुकावट ना हो इसलिए वो आईजीपी की लड़की को साथ ले जा रहा है। वहां जाने की गलती मत करना, उसके आदमी चारों तरफ मौत बनकर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं मौत का मुंह पलट दूंगा। पागल इंसान है। मुझे यहाँ कब तक रहना होगा? जब तक अविनाश आकर तुम्हें ले ना जाए। अविनाश का मतलब जानते हो? वो यहाँ आके तुम्हें तबाह कर देगा। वो हमें क्या तबाह करेगा? उससे तो यहाँ भगवान भी नहीं ला सकता।
दो उसे। Well done. मी इंस्पेक्टर भिंडे। सारे गवाहों के बयानात से साबित हो चुका है कि मिस्टर अग्निहोत्री सिर्फ मुजरिम ही नहीं बल्कि देशद्रोही भी हैं। दफा 302 के तहत इन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है। टू बी हैंग्ड अंटिल डेथ। आप इधर आइए और आप इधर आइए। अब हुआ ना इंसाफ। दिस इज अ हैप्पी फैमिली, सुखी परिवार।